धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र जीटी रोड तेतुलिया चौक के समीप पुलिस ने छापेमारी कर सरकारी नल जल योजना का पाइप चोरी कर ले जाते टेम्पो को पकड़ने में सफलता पाई। मौके से चोरी करने वाले चोर को हिरासत में लिया। निरसा एसडीपीओ रजत मानिक बाखला प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। एसडीपीओ ने बताया कि निरसा थाना अंतर्गत जीटी रोड तेतुलिया चौक के समीप छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में एक टेम्पो जिसका नंबर JH10C1315 में लोड जल नल योजना के सरकारी पाइप के साथ फटिक शेख उर्फ चांद शेखर जो कि पश्चिम बंगाल थाना रघुनाथपुर जिला मुर्शिदाबाद का रहने वाले हैं, वर्तमान में अभी निरसा थाना अंतर्गत तेतुलिया में रहते हैं। से सूचना प्राप्त हो रही थी कि जलापूर्ति योजना जो है नल जल योजना उसको लेकर कुछ जो पाइप रखा हुआ था पूर्व से उसकी चोरी की सूचना आ रही थी क्षेत्र में। तो संदर्भ में हमारे एसएसपी धनबाद सर का स्पष्ट निर्देश था कि इस चोरों का जो अज्ञात चोर है उस पर कार्रवाई करनी है और जो इस तरह का काम कर रहे हैं उस पर निगरानी करके उस पर लगातार कार्रवाई करते रहना है। तो इस संदर्भ में टीम गठित हुई थी हमारी जो निरसा के इंस्पेक्टर श्री मंजीत कुमार सिंह थे थाना प्रभारी और रंजीत उरांव सब इंस्पेक्टर सहनी अनवर हुसैन और अन्य जो पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं मेरे नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और दिनांक 23/9 को गुप्त सूचना हमें प्राप्त हुई कि 3 बजे के लगभग में तेतुलिया जो है चौक निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत वहां पे कुछ इस तरह का हरकत हुआ है। तो इस संबंध में छापामारी करने पे कुछ प्राप्त हो सकता है। तो हम लोग छापामारी जो किया गया तो उसमें एक अवैध टेम्पो पर लोड किया हुआ अवैध ये सब लकड़ी का लोहा का सब टुकड़ा वगैरह भी मिला और साथ में इसमें बरामद हुआ नल जल योजना का 10 फीट लंबा आधा फीट चौड़ा जो मोटाई का है और एक अलग पाइप जो 7 फीट लंबा और 3 फीट लंबा और 10 फीट लंबा इस तरह से कुल 4 अलग अलग साइजेस के बड़े बड़े पाइप बरामद हुए हैं। जो और टेम्पो नंबर JH10CE1315 इस नंबर के टेम्पो में लोड किया हुआ था और साथ में एक व्यक्ति जो फटीक शेख उर्फ चांद शेख उम्र करीब 23 साल का है, यह रहने वाला है एक्चुअल मुर्शिदाबाद का है पश्चिम बंगाल का रहने वाला और वर्तमान में तेतुलिया चौक में वो घर लेकर रह रहा था। तो उसको इस संबंध में पूछताछ किया गया तो उसने अपना अपराध कबूल किया कि संबंध में कोई वैध कागजात उसके पास नहीं है और ये चोरी का ही है तो वो बताया है और अपना अपराध स्वीकार करते हुए हम लोग अग्रसारित कर रहे हैं माननीय न्यायालय। ये खपाने के बारे में आगे उससे पूछताछ किया गया है तो उसने कुछ बताया है। आगे हम लोग इसमें छापामारी करके और भी लोगों की जो संलिप्त है इसमें हम लोग का